What's up guys, welcome back to the video. I hope you guys are doing absolutely fine. Alright, so हम लोग बैठ के कर रहे थे काम और अचानक से कॉल आया है मेरी सिस्टर इन लॉ का एंड बहुत अच्छी खबर सुना रही है वो. मेरा कनाडा का वीजा आ गया. कांग्रेचुलेशन. कल की फ्लाइट लेके आ रही हूँ वहाँ पे. आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ. कांग्रेचुलेशन everybody. थैंक यू. Congrats. कांग्रेचुलेशन. गोलू किधर है? गोलू अभी तक आया नहीं है ना. गोलू को बोला क्या? गोलू को बट डिड यू टेल गोलू अबाउट द न्यूज? नो. ओके देन डोंट टेल हिम, वी विल सरप्राइज हिम. डोंट टेल हिम ओके. उसको हम लोग सरप्राइज देंगे. कांग्रेचुलेशन. लेट्स सेलिब्रेशन. आ गया वीजा. वीजा आ गया. तेरे को ईमेल नहीं आया? मैं डरा ले रहा हूँ, मैंने देखा भी नहीं है ईमेल. कांग्रेचुलेशन. अरे बाप रे. अरे इतना खुशखबरी सोचने का, इतना मस्त खुशखबरी आया. तेरा वीजा आ गया, सब लोग का वीजा आ गया. डबल खुशखबरी है, तुम लोग का भी आ गया और करिश्मा का भी आ गया. यहाँ खुशियां इतनी चल रही है घर में क्योंकि डबल खुशखबरी आई है हम लोगों की. जैसे मैंने बताया आप लोगों को, एक मेरी सिस्टर इन लॉ का वीजा आ गया आज और सेम डे पे मैंने चेक किया मेरे भाई का भी वीजा आ गया है. सो इट्स अमेजिंग. बहुत खुश हैं आज हम लोग घर में एंड हम लोग अभी से प्लान्स बनाना शुरू कर दिया है सबने. कौन कब आ रहा है कनाडा, कब हम किसको होस्ट कर रहे हैं. सो ऑल प्लानिंग इज इन प्रोग्रेस. तो आज का दिन शुरू हुआ है दो खुशखबरियों से और हम तैयार हो रहे हैं एक जंग लड़ने के लिए. कौन सी जंग लड़ने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो खुशखबरी भी है यार. ये लोग हो रहे हैं तैयार. क्यों हो रहे हो तैयार? टू शवल द स्नो. यस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यार क्या मतलब पूरी रात भर स्नो हुई है और बाहर का जो लुक है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. ओके सो ये हम खोल रहे हैं दरवाजा खोल रहे हैं और ये देखो घर के बाहर से है जो स्नो पूरा भरा पड़ा है स्नो से. बहुत ज्यादा स्नो स्टॉर्म वार्निंग आई थी कल तो उस वजह से बहुत स्नो हुई है. तो अब हम करने वाले हैं इसको शवल और आज मेरा साथ देने वाला है कौन शवल करने में? द गाय फ्रॉम मुंबई. इसको आज काम पे लगाएंगे. इसको बोलेंगे आजा स्नो शवल कर और बताते हैं इसको कैनेडियन लाइफ कैसे जी जाती है यहाँ पे. और हमें आज हेल्प करने के लिए हमारी छोटी शवलर भी है और ये भी रेडी हो चुकी है. व्हाट आर यू वेयरिंग? यार तो हो गए हम लोग रेडी फुल टॉप टू बॉटम कवर्ड और केदार भी आ रहा है साथ में. मैं बन रहा हूँ हीरो. ये हीरो देखो इसने सिर्फ पहना हुआ है स्पोर्ट्स शूज क्योंकि भाई ने अभी तक विंटर बूट्स खरीदे नहीं है. हमको जाना है विंटर बूट्स खरीदने एंड सो दैट्स ऑन मी. मैं उसको लेके जाऊंगा और हम लोग थोड़ा डिले कर रहे हैं उस चीज़ को. वेट कर रहे हैं कि जब ये सीजन खत्म हो जाए क्योंकि अभी स्नो के दिन बहुत कम बचे हुए हैं. सो थोड़ा सीजन खत्म हो जाए तो हम जब ऑफ सीजन लेंगे तो हमको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे. एंड साथ में भाई साहब ने पहनी हुई है सिर्फ ट्रैक पैंट. उसको मैंने बोला भी कि एटलीस्ट ढंग से पूरा जीन्स वीन्स पहन ले या वार्मर पहन ले बट उसने बोला नहीं उसको नहीं इतना ठंडी लग रहा है. बट आई थिंक आधा घंटा जब रुकेगा तब लगने लगेगा ठंडी. तो आओ उसको सिखाते हैं कैसे करना है शवल और हेल्प लेते हैं उससे और देखते हैं कैसा करता है. आई थिंक अरे बाप रे वो देख इतना हार्ड हो गया. यूजली जो स्नो होती है ना उस पर अगर आप चलो तो आपके पैर के निशान आते हैं और आपका पैर अंदर धंस जाता है. बट इसमें देखो ये स्नो नहीं है ये आइस हो चुकी है. ये देखो फिर कर वो. ये देखो ये स्नो है ही नहीं मतलब क्योंकि एक्चुअली कल जो था फ्रीजिंग रेन वार्निंग था. तो फ्रीजिंग रेन ऐसा होता है कि जब बारिश पड़ती है वो बर्फ़ जैसी होती है तो वो ऑलमोस्ट जैसे गिरती है और वो फ्रीज हो जाती है. तो यूजुअली बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि जैसे स्नो हो रही है जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है जैसे स्नो हो रही है वैसे उसको शवल करते रहो. जैसे हमारे सामने वाले ने कर दिया है देखो उसका देखो ड्राइवे देखो पूरा क्लीन कर दिया है उसने. और हम लोगों का ड्राइवे अगर आप देखो तो पूरा अभी तक एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्केटिंग कर सकते हैं. तो यार अभी ये साफ करेंगे इसमें बहुत जान जाने वाली है. कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी कर सके. केदार को सिखाते हैं और जल्दी से काम से फ्री होते हैं. हमारी छोटी स्नो शवलर इसके पास जो है छोटा सा स्नो शवल है. केदार के पास है उसके साइज के हिसाब से मैंने उसको बड़ा वाला शवल दिया है और इसको छोटा वाला शवल दिया है. तो अब शुरू करते हैं काम लेके प्रभु का नाम.
तेरे को सिंपल तरीका बताता हूँ, पहले एक बीच में पूरा सा एक लाइन बना दे, एंड देन आधा इस तरफ फेंक ग्रास के तरफ, आधा जो है हम इस तरफ फेंकेंगे स्नो को। तो यूजुअली हमारा गोल ये है कि जितना भी स्नो है ना ड्राइवे से, हमको उसको ग्रास पे फेंकना है, अपने ही प्रॉपर्टी पे, बाहर रास्ते पे नहीं फेंक सकते। तो शुरू करो। ये देखो इतनी इतनी मेहनत के बाद से जितना सा निकला है स्नो। नहीं तो तू ऐसा करेगा ना तो थक जाएगा, इसको आगे धक्का मारते जा। और ये देखो ये लड़की को क्या मिला है, बताओ क्या मिला है आपको? तेरे पास मशीन क्यों नहीं है मेरे भाई? मशीन थी भाई, मैंने रिटर्न दे दी, वो काम की नहीं थी। और वो देखो वो गाड़ी फंस गई, कैसे व्हील घूम रहा है आप लोगों को अगर दिख रहा होगा, स्नो में व्हील जो है स्किड होता है। हाँ उसको तीन चार बार करना पड़ेगा। हाँ ऐसे करके पहले ऊपर से पूरा ले जा, और ये देखो कुछ भी साफ नहीं हो रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि पूरी तरह से जो है बर्फ बन चुकी है, पूरी आइस बन चुकी है। तो इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है यार। लाओ आई थिंक इट्स टाइम एक्सपर्ट को ले लेना चाहिए ये काम अपने हाथ में। अपना वीडियो हो गया। 10 minutes later और आई थिंक हम लोग लास्ट 10 मिनट से लगे हुए हैं, और केदार ने सिर्फ इतना सा पैच क्लीन कर पाया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये पूरी आइस बन चुकी है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको। यू डिड? यस, शो मी वेयर। और ये लड़की ले जा रही है मुझे कहाँ इसने क्लीन किया है दिखाने के लिए। ये देखो ये यहाँ से थोड़ा सा इसने निकाला, ये बता रही है। गुड जॉब एमी, गुड जॉब, आई लाइक इट, इन कृष्णाज नेम, वेरी गुड। ये ना कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त है। तुम्हें घर लेने का शौक हो मत लेना। How's the Josh? I feel you, buddy. I feel you. कल ही कर देना चाहिए था, कल रात को कर देना चाहिए था। देखो ठंड है ऊपर। वही हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको कल ही कर देना चाहिए था, ये इतना बुरा हाल नहीं होता था। बट कल काफ़ी लेट हो गया था, आई थिंक ऑलमोस्ट 11 बज गए थे जब पूरी स्नो हो चुकी थी। तो हमने कहा यार अब बहुत लेट हो गया है, काम करते सोते हैं, दिन ख़त्म करते हैं, एंड देन ये सुबह उठ के देखेंगे क्या होता है। आई थिंक बिग मिस्टेक, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फ्यूचर्स में थी मंदना। ओके तो हमारे नेबर ने जो जा रहा है अभी वहां पर आप देख रहे हो, उसने देखा कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं केदार और मैं। हम लोग ऑलमोस्ट आधे घंटे से लगे हुए हैं और हमने सिर्फ इतना ही शवल कर पाए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये जो है आइस बन चुकी है कि इसको निकालने में बहुत टाइम लग रहा है, इसको बहुत स्क्रेप करना पड़ रहा है। सो उसने देखा कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से, तो वो स्वीटली आया, उसने मुझे बताया कि जो शवल जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो प्लास्टिक का है, वो स्नो के लिए अच्छा है, आइस के लिए अच्छा नहीं है। और ये जो कल जो स्नो स्टॉर्म हुआ है, कल जो फ्रीजिंग रेन हुई है, ये बहुत ही अनयूजुअल है। तो इसमें जो हुआ स्नो कम और आइस ज़्यादा गिरी है, तो उस वजह से ये पूरा फ्रीज हो चुका है। तो उसने बोला कि ये जो शवल है ये वाला लोखंड का, ये देखो ये लोखंड वाला जो शवल है, ये यूज़ करने पे काफ़ी इजीली निकल जाएगा। तो अब हम ये यूज़ करेंगे, यूज़ करो एंड जब हो जाए काम तो जस्ट कीप इट बैक मेरे घर के पास। सो थैंक यू वेरी मच, एंड इससे शुरू करते हैं, इससे शवल करते हैं। एटलीस्ट स्टार्ट तो यही करेंगे कि पहले हम लोग साइड वॉक कर ले, बिकॉज साइड वॉक पे जो है लोगों के चलने का जगह बना ले, हमारा ड्राइववे विल बी माय लास्ट ऑप्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट। A few moments later. ये बहुत ही कमाल की चीज़ है गाइज, मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ 5 मिनट यूज़ किया है इसको, बट मैंने और केदार ने ना हम लोग ने टीम अप कर लिया। मैं ये जो है ये, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, अगर आप देखोगे इस शवल को आप कंपेयर करोगे, ये देखो इसका सिर्फ इतना सरफेस एरिया है वर्सेस ये वाला जो शवल है, इसका आप सरफेस एरिया कंपेयर करोगे तो बहुत फ़र्क है, राइट? आई एम गोना शो इट अप वंस अगेन। ये देखो
सरफेस एरिया कितना डिफरेंट है, लेकिन ये जो है जो जमी हुई आइस है उसको बहुत इजीली निकाल रहा है। तो मैं लाइन से आइस को लूज़ करता हुआ जा रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे केदार जो है वो उसको उठा के साइड में फेंकता हुआ जा रहा है। सो आई थिंक 5 मिनट में हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। ये देखो, ये ऑलमोस्ट आधा आधा साइडवॉक जो है एक तरफ का पूरा कर दिया हम लोगों ने। बस इसी तरह से हम लोग अभी पूरा साइडवॉक भी कर देंगे एंड देन उसके बाद ड्राइवे का भी मोस्टली कर ही देंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। देखो सबसे सिंपल तरीका स्नो हटाने का, स्नो ब्लोअर लेके वो बंदा चलेगा। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, ज़ूम करके देखो वो चलता जाएगा एंड सारी स्नो साइड में करता जाएगा। मस्त है ना? ये मैंने भी खरीदा था बट मेरा जो था वो गियर वाला नहीं था, सो इट वाज़न्ट दैट गुड। मुझे अभी नया लेना पड़ेगा। मैं रोल स्विच किया है, केदार जो है अब उसको स्क्रेप कर रहा है छोटे वाले शवल से और मैं जो है उसको उठा के साइड में फेंकता हुआ जा रहा हूँ। यही हो रहा है यार, बहुत डिफिकल्ट है। यार हालत हो गई है टाइट। अभी हमने दूसरे साइड का साइडवॉक करना स्टार्ट किया है और काफ़ी सारा साइडवॉक साफ करना है। आपको पीछे तक दिख रहा है ये, अगर आपको फायर हाइड्रेंट दिख रहा है उसके उतना ही और पीछे, आपको मैंने जैसे अपने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, उतना पीछे तक मुझे जाना है जहाँ तक मेरी प्रॉपर्टी ख़त्म होती है, जहाँ फेंसिंग है उधर तक करना है। कौन बोला इतना बड़ा प्रॉपर्टी लेने के लिए? ओके, टाइम टू टेक अ ब्रेक। बहुत थक गए हैं, ब्रेक लेंगे, लंच करेंगे। ऑलमोस्ट टाइम हो गया 12:30 और उसके बाद फिर बैक एट इट। हवाना कनाडा ये देखने के बाद भी बहुत बुरा हाल है यार, बट इट्स नाइस। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ गाइस, कनाडा इज़ नाइस, इट्स रियली नाइस। गाइस ये देखो यार, ये गाड़ी पे जो है ऐसा लग रहा है कि ये पानी है, राइट? ऐसा लग रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स है, बट मैं आपको छू के दिखाता हूँ इसको। ये देखो बर्फ है, ये एक हल्की सी पतली सी बर्फ की लेयर बन गई है। ये गाड़ी के पेंट पे देखो, ये भी ऐसा लग रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स है, बट व्हेन आई टच इट, ये देखो कैसा है, ये पूरी बर्फ है। ये देखो कितना ज़्यादा अफेक्ट होता है ये सब गाड़ी पे। पता नहीं गाड़ी ओपन भी होगी कि नहीं होगी, अब तक ट्राई तो नहीं किया है, अब तक हम लोग अभी भी लगे हुए हैं यही करने में। सो अपडेट कुछ ऐसा है, उतना सा पार्ट जो है वो क्लीन हो चुका है और साइडवॉक आधा हुआ है, आधा नहीं बोलूँगा 1/4 हुआ है, क्योंकि अभी पीछे बहुत बाकी है। तो जैसा मैंने बोला, लंच ब्रेक, खाना खाएंगे, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे ताकि वो अब यूज़ कर सके। तो आज देखो खाने की प्लेट लग गई है, थोड़ा सा सैलड और खाने में आज बना हुआ है लंगर वाली दाल एंड आंचल अभी बनाने वाली है रोटियाँ। जल्दी से ये खाते हैं एंड देन खाने के बाद फिर जाना है स्नो शवल करने। फिलहाल मुझे एक रिदम मिल गया है कैसे निकालना है उसको, सो हम आई थिंक मैक्सिमम 1-1.5-2 घंटे का और काम है, उतने में स्नो जो है वो निकल जाएगा। गलती में सुधार, हाँ गलती में सुधार, क्या किया तूने? हाँ देखो इस बार वार्मर पहन लिया उसने अंदर, यस एंड सैनिक तैयार सरहद पे जाने के लिए और स्नो साफ करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं फिर से राउंड 2 के लिए। ए ये फिर बर्फ गिर रही है यार, ये क्या है, ये चीटिंग है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। साल इस चीज के लगाए मैंने भाई, अच्छा यही हुआ, यही है लगे। यहाँ की लाइफ ऐसी ही है यार, हर मौसम में काम है। तूने गलती कर दी, तूने गलती कर दी, तूने गलती कर।
घर नहीं खरीदना चाहिए था, और खरीदना था तो इतना बड़ा नहीं खरीदना चाहिए था, और खरीदा तो इतना बड़ा ड्राइविंग लगाना चाहिए था, और रखा तो कॉर्नर नहीं लेना चाहिए था, अभी तो साला वो फुटपाथ बाकी है, फुटपाथ बाकी है। आई नो यार, बहुत हालत खराब है। इससे अच्छा तो इंडिया का फुटपाथ पे साले ठेला लगा देता, अपना टेंशन नहीं। क्विक अपडेट, ड्राइवे 3/4 हो चुका है, ये देखो गाड़ी हमने आगे कर दी है ताकि जो गाड़ी के पीछे जो जगह थी वो साफ़ करनी है, एंड वी आर बैक एट द साइड वॉक। ये जो कॉर्नर वाला है ये कर रहे हैं साइड वॉक अभी, आई थिंक इसको भी और लगेगा एक घंटा आई गेस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये दिख रहा है जहाँ पे ये फेंस एंड हो रहा है, यहाँ पे फेंस एंड हो रहा है वहाँ तक करना है, अभी भी इतना बचा हुआ है। ये देखो अभी हम पहुँचे हैं कहाँ पे, यहाँ पे ये पूरा फेंस एंड तक अभी भी बचा हुआ है। तो भाई कैसा लग रहा है? हाँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है केदार के पास। धूप धूप। ओके तो फाइनली हुआ साइड वॉक खत्म, और केदार देखो उसको एकदम डेकोरेट कर रहा है, ब्यूटीफाई कर रहा है, एकदम लाइन में लगा रहा है, ऑलरेडी एक एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा है वो। भाई तू कॉन्डो मूव होने वाला है, कॉन्डो में सब करने की जरूरत नहीं है। आई एम प्रो मैन। या तो हर बार मैं इसको बुला लिया करूंगा, जब भी स्नो होएगा ना उसको बोलूंगा टोरंटो से आ जा स्नो साफ करने के लिए। ओके ऑलराइट, सो प्रीटी मच डन, अंदर चलते हैं। पगार लगेगी उसके लिए। हाँ अंदर चलते हैं और देखो अगर कुछ ताकत बची है तो बात करते हैं, अगर नहीं बची है तो यहीं से भाई साइन ऑफ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और मैं मिलूंगा आपको कल के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे वार्म। बहुत मगज मारी है। लेटर दैट सेम इवनिंग, तो यार हम सोचे कि जाके सामान ले आते हैं, आके देखा तो पूरी बर्फ, एक पतली सी लेयर ऑफ आइस बनी हुई थी, तो हम लगे हुए थे घसने के लिए इसको। देख हिला देख, अभी भी है देखो बीच वाली, देख अभी भी है ये देखो, फॉर एग्जांपल ये देखो, ऐसे पतली सी एक लेयर आइस आ नहीं रही मेरे हाथ में। मत तो कर मत कर, ये देखो ठंडा हो जाएगा हाथ तेरा। तो फिर हमने अपने नेबर को कॉल किया और उसको पूछा इसको करे कैसे, हटाए कैसे। बहुत रिसोर्सफुल आदमी है तेरा नेबर, बंदा है वो। तो उसने बोला गाड़ी चालू करो, हीटर चालू करो, आगे का और पीछे का छोड़ दो। आई थिंक हम लोग कितना देर रुके, सात मिनट में पूरी बर्फ पिघल गई है देखो, वरना कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो चलते हैं जाके सामान ले आते हैं, क्योंकि घर में खाने को कुछ है नहीं। ना आलू है, ना ब्रेड, ना दूध है, ना टमाटर है, कुछ भी नहीं है। भूखे सुबह से ना बिका है आधा आलू ना आधा कांदा। आलू ले लो। चलो यार गाइस, चलो मिलते हैं कल के वीडियो में। चलो चलो।